नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय लोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज डिक्शनरी में। दिल्ली देश की राजधानी का उत्तर प्रदेश बनती जा रही है, जहां अपराधों का सिलसिला अपने चरम पर है। प्रशासन को सरकार का पूरा संरक्षण है कि आप जनता के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने बहन मनीषा वाल्मीकि वाले केस में देखा कि किस तरह से शासन और प्रशासन ने अपनी गंदी मानसिकता का सबूत दिया और जनता को यह इशारा किया कि अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो यही हाल होगा। दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश जैसी अपराध की घटना तेजी से फैल रही है और इस घटना को कोई और नहीं बल्कि प्रशासन द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली के कोंडली विधानसभा के निवासी अजीत कुमार वाल्मीकि 4 जून की रात को अपने दोस्त अतुल के साथ आइसक्रीम खाने निकला था। रास्ते में न्यू अशोक नगर में सफ़ेद रंग की कार में सवार मोनू सिरोही, हरीश, विनीत और विकास, इन चारों से किसी बात पर बहस हो जाती है और फिर ये चारों अजीत और अतुल को मारने लगते हैं। पांडो नगर थाने में तैनात आरोपी मोनू सिरोही दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। अजीत और अतुल को पीटने के दौरान अतुल घटनास्थल से बच निकलता है, जबकि अजीत को बुरी तरह पीटा जाता है। अजीत के मृतक शरीर को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी मोनू सिरोही मुरादनगर का गंग नहर चुनता है। अजीत के परिजन 13 जून को गुमशुदा की शिकायत कराने के लिए न्यू अशोक नगर थाने में जाते हैं, लेकिन शासन द्वारा उन्हें निराशा ही लगती है। आरोपी मोनू सिरोही के खिलाफ किसी भी प्रकार का रिपोर्ट या शिकायत लिखने से पुलिस मना कर देती है। इस मामले में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के संज्ञान लेने के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी हिमांशु वाल्मीकि द्वारा परिवार को आश्वासन दिया जाता है कि दोषियों को हम किसी भी प्रकार से बचने नहीं देंगे। 27 जुलाई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, फिर भीम आर्मी की टीम इस सबूत के साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफ़ी ठोस कदम उठाते हुए एसीपी ऑफिस का घेराव करती है और मामले की जांच के बाद न्यू अशोक नगर के SHO को बर्खास्त और आरोपी मोनू सिरोही को गिरफ्तार पुलिस करती है।